हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फाइनली ओप्पो फाइंड एक्स टू सीरीज़ के न्यू इंडिया लॉन्च डेट निकल कर सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से कंफर्म न्यूज़ मिल गया है कि ओप्पो फाइंड एक्स टू सीरीज़ इंडिया में 27 जून को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, ओप्पो ओप्पो फाइंड एक्स टू सीरीज़ में आपको दो वेरियंट के फ़ोन देखने को मिलेगा, जो कि ओप्पो फाइंड एक्स टू एंड ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो। दोस्तों, दोनों ही 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स टू फोन के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 865G का प्रोसेसर, साथ ही साथ 42 mAh की बैटरी, और रियर साइड में यहाँ पर आप ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 60x तक का जूम लेंस भी दिया गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं ओप्पो फाइंड एक्स टू फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पर आपको 120Hz डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 120Hz डिस्प्ले रिप्रेजेंट दिया गया है। साथ ही साथ इस फोन में आपको HDR10 देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा ओप्पो फाइंड एक्स टू फोन में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G प्रोसेसर है। दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कमाल के देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ट है कलर ओएस 7.1 के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा इस फोन में। दोस्तों, बात करते हैं आगे उस फोन की रैम और रोम वेरिएंट की। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस फोन दो वेरिएंट रैम और रोम देखने को मिलेगा, जो कि 8GB प्लस 128GB वेरिएंट और 12GB प्लस 256GB वेरिएंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते हैं इस फोन की कैमरे की। दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की कैमरे की, दोस्तों यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर आपको 48 MP का मेन कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है, जिसमें आपको f1.7 का एपर्चर दिया गया है। साथ ही साथ इस फोन में आपको 13 MP का एक टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जहाँ पर आपको f2.4 का एपर्चर दिया गया है, और नीचे यहाँ पर आपको 12 MP का एक अल्ट्रावाइड कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको f2.2 का एपर्चर दिया गया है। दोस्तों, कैमरे के मामले में इस फोन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आपको 60x तक का वाइड एंगल और 20x तक यहाँ पर आपको ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा होने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर बात करें इस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 4K 30fps 60fps तक का यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी दिया गया है इस फोन। दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते हैं उस फोन की फ्रंट कैमरे की। दोस्तों, फ्रंट में आपको 32 MP कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको f2.4 के एपर्चर दे रखा है। दोस्तों, ओप्पो फाइंड एक्स टू फोन में आपको कैमरे में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उसके SIM कनेक्टिविटी। दोस्तों, कनेक्टिविटी बात करें तो यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों, इस फोन में आपको 3.5 हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात करें उस फोन की 5G कनेक्टिविटी, तो दोस्तों इस फोन में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, जो कि डुअल मोड 5G दिया गया है। साथ ही साथ इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि आप उसको बोल सकते हैं कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का सिस्टम भी दे रखा है ओप्पो फाइंड एक्स टू फोन में। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस फोन की बैटरी की। दोस्तों, इस फोन में आपको 42 mAh की नॉन ड्यूबल बैटरी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की फास्ट चार्जिंग, तो दोस्तों इस फोन में आपको 65W की भोक का फास्ट चार्जिंग भी दिया गया। तो दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइस आपको 83,000 देखने को मिल सकता है इंडिया में। दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका प्राइस आपको कैसा लगा, कि इसका प्राइस ज़्यादा है क्या या फिर कम है। दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं ओप्पो फाइंड एक्स टू आपको कैसा लगा।